कैसे हो दोस्तों। तो आज बड़े दिन बाद आपका भाई आया है, बहुत ही चल के कहीं से फिर से आपको मिलने आया है। तो आज करते हैं महफिल का शुरू काम। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर पुराने हो तो लाइक करना मत भूलना। चलिए अब करते हैं महफिल की बात, फिर करते हैं आगे की बात। तो आज है हमारे पास, इसको बाद में बताता हूँ, इसमें खट्टा मीठा भुजिया, मेरा फेवरेट दारू में मेरा फेवरेट भुजिया है। इसमें ओपन ही कर लेते हैं इसको। आपने कौन सी महफिल लगाई है ज़रूर बताना। आज कोका कोला साथ में ठंडा है, एकदम चिल्ड बैरल सेलेक्ट है। ये बाद में करता हूँ इसका ओवरव्यू। बिसलेरी का थोड़ा ठंडा खारा है, पानी है, और मज़ेदार महफिल लगने वाली है। लगाते हैं महफिल और सोते हैं मज़े से फिर। तो इसको करते हैं ओवरव्यू। बैरल सेलेक्ट रॉयल स्टैक विस्की सोलेरा प्रोसेस, पता नहीं क्या लिखा है, सोलेरा प्रोसेस ही लिखा है। ये है ब्लैक कलर में आती है इसकी, ये वो ब्राउन में होती है केली रॉयल स्टैक। सिया ग्राम्स की ब्रांडिंग है ऊपर। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, फॉर सेल इन पंजाब ओनली। MRP का लिखा है 155, जो हमको पड़ा है 220 रुपये पूरे पंजाब में। 180 ml लिखा हुआ है ऊपर, 75 डिग्री प्रूफ लिखा हुआ है, बस यही संदेश वगैरह लिखे हुए हैं इस पे। इनका लिखा हुआ है जो भी ये कहना चाहते हैं, मेड इन इंडिया है, आई कहाँ से है, इसके ऊपर ये ब्रांडिंग लगी है फॉर सेल इन पंजाब वाली, नहीं तो बता देता कहाँ से आई है, बट मेड इन इंडिया है। चलिए करते हैं इसकी ओपनिंग। थोड़ी सी मिट्टी डली हुई है ऊपर, कोई बात नहीं, लगाते हैं इसका पहला पैग। AC चल रहा है आज साथ में, करता हूँ मैं चलो इसको ओपन। तो चलिए आधी सील ओपन कर ली है। आज कॉमेडी शायद कम होगी, बट पता नहीं क्या क्या होगा। अभी सील को थोड़ा साइड पे रखते हैं। चलिए पहला पैक डालते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों अगर रिव्यू अच्छा लगा। आवाज़ धीमी डली है, माफ़ करना अगर धीमी लगी। वैसे तो मैं एकदम कैमरे के पास बैठा हुआ हूँ, आवाज़ के भी पास बैठा हूँ। चलिए पहला पैक डालते हैं, करते हैं इसका सारा कुछ चेक। पहला पैक स्ट्रॉन्ग ही पीता हूँ मैं, आपको हर महफिल में स्ट्रॉन्ग ही दिखेगा। फिर हम लेते हैं हल्के हल्के मज़े। पहले हम ट्राई करेंगे खारे के साथ, फिर पानी, या पहले पानी, चलो कोई बात नहीं, पहले पैक बना लेते हैं। नीट मैं ट्राई नहीं करूँगा आज, नीट वैसे भी मेरी महफिल देखने वाले बहुत कम हैं, बंदे जो नीट पीते हैं एक या दो बंदे ही होंगे शायद। चलिए पहले हम भैरव बाबा को प्रसाद दे लेते हैं बिना टेस्ट स्मेल के। चलिए अब स्मेल लेते हैं इसकी बैरल सेलेक्ट की रॉयल स्टैग। स्मेल तो कड़वी है थोड़ी। चलिए अब पहला पैक लगाते हैं इसका आपकी आंखों के सामने, ये खट्टा मीठा भुजिया साथ में। चलिए लेते हैं मज़े। जय भैरव बाबा की। सच पूछो तो इसका टेस्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका जो टेस्ट है मित्रों दोस्तों, वो टेस्ट क्या है मैं बता दूँ, सच बताऊँगा। जैसे मान लो इतना कोक है, एग्जांपल्स मैं पूरी देता हूँ, वीडियो लंबी हुई तो माफ़ करना। इतना कोक है, उसमें पानी डाला हो, ऐसा जैसे फ्लेवर आता होता है, मीठा नहीं, मतलब थोड़ा कड़वाहट सी वो है, मतलब कड़वाहट नहीं है, एकदम मीठी मीठी है ये दारू बैरल सेलेक्ट। प्राइस भी ज़्यादा है, तो टेस्ट में तो मेरे को यार बेटर लगी है ये बैरल सेलेक्ट। रॉयल स्टैग माई ऑल टाइम फेवरेट दारू, बट बैरल सेलेक्ट फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से टेस्ट में बहुत बढ़िया है। वो भी पानी के साथ, अगर कोक के साथ होती तो आई थिंक कोई टेस्ट ही ना आता। ठीक है, अब रिव्यू आपका भाई जल्दी जल्दी कर रहा है क्योंकि वॉच टाइम कम्प्लीट होने वाला है।
चलिए मैं थोड़ा सा भुजिया खाता हूँ। मेरे को कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई कि भाई साथ में हुक्का लेकर आओ महफिलों में, तो भाई साथ में हुक्का तो नहीं जा सकता, पता क्यों? कुछ लोग विस्की अकेले पीते हैं, इसलिए। अगर आप चाहो तो हुक्का चाहिए तो अलग व्लॉग्स बनाते हैं उसके भी, बताओ बनाऊं कि ना बनाऊं हुक्का के व्लॉग्स, बना देता हूँ अगर आप कहो तो। तो करते हैं आज आपसे एक बातें। हमने डाला था रूम टूर, ठीक है, रूम टूर डाला था, आपने सारा देखा, वो एसी भी लगवा लिया अब अपने हमने। आपका ही है क्योंकि आप ही बैठे हो इस महफिलों में, मज़े लेते हो। बट अभी भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ मैं, आप कोई गलत रिक्वेस्ट नहीं है। अभी भाइयों इस महफिल के बाद हमारी 60 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद तो भाइयों वेट करो वेट करो। ये बहन चो दूरी कीड़ी कहाँ से आई, आत्मा तो साली महफिल लगाने भी नहीं देती। बहन चौध की दारू पिला दूंगा तो बहन चौध, अरे बहन चौधिया ने पागल कर रखा है मेरे को, कभी कुत्ता आ जाता है महफिल में, कभी चींटियां, तो मैं बहन चो मैं जानवर ना बन जाऊं। तो रिक्वेस्ट आपसे ये करनी थी कि भाइयों अभी थोड़ा स्टडी के रिलेटेड मैं बिजी हूँ, सही बात बताऊँ, मतलब 5 सितंबर तक मैं फ्री हो जाऊँगा या 1 सितंबर तक मैं फ्री हो जाऊँगा, सीधी बात बताऊँ। अगर बीच में हो भी गया तो एक महफिल लेकर आऊँगा जो बहुत ही खुशी वाली होगी मेरी लाइफ के रिलेटेड, ठीक है, तो वो मैं लेकर आऊँगा महफिल। बट अभी ये इस वीडियो को ये आप देखना, मज़े लेना और मेरी पुरानी वीडियोस देखना। आज 3 हो चुकी है, 17 नहीं अभी हुई है, सॉरी 13 से 14 हुई है अगस्त, मतलब 1 सितंबर तक मैं फिनिश हो जाऊंगा, मैं नहीं मतलब मेरा काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तो मैं फिर महफिल लेकर आऊँगा। बट मेरे को उम्मीद है, मैंने मैक्सिमम टाइम बताया आपको, उससे पहले ही हम महफिल ले आऊँगा। मैक्सिमम मेरे को लगता है कि मैं 21 सितंबर तक सॉरी अगस्त तक अपना सारा काम निपटा लूँगा और महफिल लेकर आऊँगा, बट मैक्सिमम टाइम आपको 1 सितंबर दे रहा हूँ। तब तक इस महफिल के साथ मदद लेना, साथ में अभी व्लॉग तो नहीं आया होगा, आपको भी बता दूँ, शायद आ भी जाएगा बट पक्का नहीं पता, मैं अभी दारू का बोल रहा हूँ, शायद आ जाएगी कोई वीडियो, बट अभी मेरा कोई एम नहीं है मतलब कि मेरी वीडियो आएगी। अभी अभी 10-12 दिन तो लगेंगे आज आप, अब इस हालत में आपको भाई थोड़ा बिजी है, स्टडी करनी है थोड़ी, सीधी बात बताऊँ तो थोड़ी प्रॉब्लम भी है स्टडी के रिलेटेड ही, तो उस पर फोकस करना है, एकदम लाइफ का सवाल है, तो लाइफ का सवाल है भाइयों, उस पर तो ध्यान देना चाहिए। जो ये मेरी लाइफ वीडियो देख रही है वो उसका तो अलग मज़ा है, उनके साथ तो महफिल गाते हैं आप जैसे भाइयों के साथ। चलिए डालते हैं दूसरा पैक, अब ट्राई करते हैं खारे के साथ। अभी रूम की सफाई भी रहती है, आपको क्या क्या बताऊं दोस्तों। चलो एक ऐसे करते हैं, रूम की सफाई पे व्लॉग बनाते हैं, क्यों, सही कहा, बताना मेरे को प्लीज़ बताना, रूम की सफाई पे व्लॉग बनाते हैं, उसमें हम शायद फेस रेवल भी कर दें, शायद बटवाइयों शायद, ठीक है, बट अभी जब हमारा काम हो जाएगा, सीधी बात आपके साथ ही मैं शेयर करता हूँ, ये बात तो अपने भाई और जो ताए चाचे के लड़के हैं उनके साथ भी नहीं शेयर करता, जो आपके साथ बातें शेयर करता हूँ, ठीक है। अभी आपका भाई बिजी है, सीधी बात बता दी है, जब वो काम हो गया तो शायद मैं गिव अवे भी रखूं उस टाइम। चलिए पहले दूसरा पैक लगाता हूँ बैरल सेक्ट का,
अब स्मेल पहले बताता हूँ। ठीक है यार, स्मेल तो 10 में से 8 दूंगा। नहीं, हाँ 8 ही दूंगा। ठीक है, 8 गुड है, 8 ठीक है, 8 ठीक है यार, 8। और टेस्ट वाला दिया था आपको 10 में से 9 या 10। ठीक है, 9.5 रख लो यार, कई बार हो जाता है, 9.5 रखो। चलिए मैं एसी थोड़ा स्लो कर देता हूँ पहले। जय भैरव बाबा की। तो एक मुद्दे की बात भी बता देता हूँ, हमारी महफिल में कुछ चेंजेस हैं, आप समझ गए होंगे क्या चेंजेस हैं। मेरे पक्के बंदे तो समझ गए होंगे, बट पुराने बंदे जो हैं समझे हुए हैं। नए बंदे सोच रहे होंगे कि मैं कोका कोला की प्रमोशन करता हूँ, तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं है, ये बिस्लेरी का खारा है, ये इसलिए साइड पर रखा है कि लोग समझे ना प्रमोशन। इन वीडियोस में प्रमोशन कोई नहीं है, और हर वीडियो में मेरी कोका कोला था तो प्रमोशन लगता था। बट अब क्या है, आपको क्या बता, थम्स अप है, कोका कोला है, पेप्सी है, ठीक है। बट मैं बता देता हूँ कि कोका कोला है, बट प्रमोशन वाला काम नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आए तो प्रमोशन बता दूंगा। तो सीधी बात बताऊँ, फिर मैंने बताना भी नहीं है, फिर यही बोलूँगा, हाँ भाई एक बार कोका कोला ट्राई करो बहनचोद, बहुत अच्छी फीलिंग देता है चूतिया। तो अभी एसी जो है मेरे टट्टे कट्ठे कर रहेगा, बुझो क्यों, एसी बहुत तेज किया हुआ है मैंने, 26 पे भी साला गांठ फाड़ रहा है बहनचोद, वोल्टस का एसी है। पैनासोनिक के सेल हैं, बट इसने यून बना दी मेरी। अब मैं स्टडी वगैरह करता हूँ। तो भाइयों, आपके भाई का एम स्टडी में बहुत है। कैसी स्टडी, मतलब घूमने फिरने वाली, टूरिज्म, ऐसे स्टडी, दिल लगता है मेरा स्टडी में। मैथ में बहनचोद कभी नहीं, मैथ को पढ़ने की बजाय मैं जहर खा लूँगा, ठीक है, सीधी बात बताता हूँ। वैसे स्टडी में बहुत अहम लगता है, जैसे हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी, किसी के बारे में पढ़ना, किसी को मतलब बायोलॉजी भी ठीक है, और टूरिज्म इंडस्ट्री, इवेंट, बड़ा मज़ा आता है यार पढ़ाई करने में, सीधी बात बताऊँ तो। बट हम पढ़ते पढ़ते ऐसे ही हैं, पेपर के एक दिन पहले गांठ फाड़ते हैं, नहीं तो दारू के गुनगाते हैं। तो दोस्तों, अब महफिलें हमारी आए करेंगी स्लोली स्लोली, ठीक है, बुरा मत मानना, स्लोली स्लोली, फिर हम भगवान करे आप सबकी दुआ लग जाए, आपका भाई फौरन विस्की को रिव्यू करे जल्द ही। अभी आपसे एक सरप्राइज छुपाया हुआ है मैंने, सरप्राइज नहीं, अभी मतलब बात ही छुपाई हुई है, वो बात 3 से 4 महीने के बाद करूँगा, वो उस वक्त बताऊँगा जब आपको बोलूँगा कि हाँ भाई दिल्ली IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मीटअप कर लो। फिर भाई शायद मैं इंडिया ना आऊँ, ठीक है, बस यही बोल सकता हूँ मैं। बट आपके भाइयों जैसा प्यार अब मिलने ज़रूर आया करूँगा आप लोगों से, बट अभी पक्का नहीं है भाइयों, आप रिक्वेस्ट करो कि आपके भाई का हो जाए काम, बट मिलेंगे ज़रूर, आप ज़रूर आना दिल्ली वाले तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी पे, अभी नहीं बट लगेंगे 2-3 महीने,
हमारे राजस्थानी गुजराती भाई भी आएंगे, मेरे को पता है, पूरी वहाँ पे मज़े करेंगे, बताएंगे हम क्या चीज़ है, ठीक है, मीटअप रखेंगे एक। अभी आपको क्लियर नहीं बताऊंगा, सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रहने दो, एक फैमिली की तरह हो आप, ठीक है। देखो भाइयों, अगर आप नए हो तो आपको इतना नहीं पता होगा मेरे बारे में, जो पुराने बंदे हैं मेरी सारी वीडियोस देखते हैं उनके लिए तो एक ये फैमिली है, वो क्या करते हैं रात को मज़े से ये वीडियो देखते हैं, ठीक है, एक फैमिली की तरह इस वीडियोस को देखते हैं और मज़े लेते हैं। बट मेरे को बहुत खुशी होती है जब मेरे भाई मेरे को प्यार देते हैं, पहले मैं सोचता था मेरा कोई नहीं है, बट अब जब कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ बंदे बहुत सपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, पता नहीं क्या नाता है उनसे हमारा, बट भगवान सबका भला करे, जो हेट कमेंट करते हैं उनका भी और जो अच्छे कमेंट करते हैं उनका भी, जो भगवान ने सोचा अच्छा ही सोचा होगा। तो अभी मूड ऑफ हो गया बहन चोद, हट, क्या मौका है, अबे चीटी भोसड़ी की यहाँ क्या कर रही है, हट मातर चोद। तो और बताओ भाइयों, क्या हाल चाल है आपके, आज आपके भाई ने हाल चाल नहीं पूछे। तो दोस्तों ये बात तो अलग है, तो इस वीडियो में आपको एक चीज़ रेकमेंडेड करता हूँ, पेड प्रमोशन नहीं है, प्लीज़ दारू कोई भी हो साथ में एक बार खट्टा मीठा भुजिया ट्राई करना, सच बताता हूँ, एक बार प्लीज़ ट्राई करना। प्लीज़ समझते हो ना किसको बोलते हैं, उसको ट्राई करना। एसी बार बार ट्रिप कर रहा है, चलो छोड़ो, डालते हैं तीसरा पैक, फिर करते हैं आपसे कुछ दिल जली बातें, डाल लिया जाए इसको अभी, अब क्या बचा है ज़िंदगी में, बट भगवान पे बस अब आस है। भाइयों प्लीज़ माफ़ करना, अब वीडियो शायद अब 25 मिनट तक होगी, बट एक बार मिलने ज़रूर आना जब मैं कहूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, आइए वहाँ पे हम मीटअप करेंगे, एक सिर्फ 10 से 15 मिनट का, एक पहले भी करेंगे, बट वहाँ पे भी आपकी ज़रूरत है, मेरी ऑडियंस, मेरे बंदे, ठीक है, पता लग जाए बहन चोद की दारू पानी इज़ गोइंग टू फॉरन, सॉरी, राज को राज रहने दो, ये राज खुलेगा सिर्फ अपनी फैमिली के साथ, वो फैमिली कौन है, दारू पानी की, ठीक है भाई, अब कुछ पक्का नहीं है अभी तक, बट भगवान करे, अल्लाह करे, राम जी करें, हमें पहुँचा दें अपनी मंजिल पे, मैं तो यही बोल सकता हूँ। रूम में भी मंदिर बनाया है, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बट जब उनका टाइम हुआ तो करेंगे वो ख्वाहिशें हमारी पूरी, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी को मिलके नहीं जाएंगे भाइयों, हर किसी को मिलके जाएंगे, हमारे अजमेर वाले भाई हैं ठेके वाला, उनको भी मिलेंगे, हमारे राजस्थान वाले सभी भाई बहुत प्यार देते हैं, सच बताऊँ तो उनको एक बार ज़रूर मिलने जाएंगे वहाँ पे। और हमारा एक भाई भी है जो बहुत प्यार देता है, विष्णु गेमिंग वाईटी, पता नहीं बंदा कौन है, बट हमारी तरफ से उसको एक बार प्यार है, उसको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, नशे का रिव्यू भी दूंगा अभी। तो वैल्यू ऑफ मनी पहली बार दी है भाई किसी को,
10 में से 10 वैल्यू ऑफ मनी पंजाब के हिसाब से, ठीक है, 220 रुपए, बट आपके हिसाब से भाइयों 160 रुपए। बहुत अच्छी स्कीम है यार, एक है क्या बैरल साइड। अब बहुत सड़ीका ये क्यों पार दिया मैंने, भाइयों आपके साथ दारू पी के कुछ दुख सुख साझे करता हूँ अपने, ठीक है। ये दारू सब भेद खोल देती है, बट आपके साथ मैंने अब तक जो भी भेद खोले हैं बहुत अच्छे खोले हैं, बट एक है चीज़ जो आपसे अभी तक छुपी हुई है, लड़की वड़की का चक्कर नहीं है बहन चौथ, अभी दारू छोड़ दूंगा, नहीं तो एक चीज़ वैसी ही है लाइफ के रिलेटेड, वो बता दूंगा आपको। बट मैं यही चाहता हूँ कि सभी ऑडियंस प्यार दें मेरे को, मैं भी उनको प्यार दूँ, बट भगवान हेल्प करे। भाइयों मैं सबको मानता हूँ, अपने हिंदू धर्म को भी मानता हूँ, सिख धर्म को भी मानता हूँ, मुस्लिम धर्म को भी मानता हूँ, बस मेरे को इतना नॉलेज है मैं इन्हीं को मानता हूँ, यही हेल्प करेंगे मेरी। भगवान पे मेरी दुआ है कि ज़िंदगी हर एक बंदे की बन जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भूखा सोए, चाहे 3 में से मेरे को 1 रोटी मिल जाए बट 2 रोटी उसको मिले जो भूखा सोने वाला है, बस यही है। कुछ फीलिंग्स भी दिल में छुपी हुई हैं, सच बताऊँ तो आज बहुत दिल भरा हुआ है, इस देश को छोड़ने वाला हूँ मैं, सीधी बात बताता हूँ, बट भगवान करे हेल्प छोड़ने में ही बेटर है, बेटर तो इसलिए है कि मैं कुछ बन सकूं। चलो छोड़ो ये बातें, अब भाइयों हम दारू वाले बंदे हैं, मैं चुत कैसी बातों पे आ गए, दारू पी के जश्न मनाने वाले बंदे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। बट मीटअप अनाउंस होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, शायद मैं उस पर करूँ, बस अनाउंस तो करूँगा ही, एक बार जब भी पाके मिल लेना मेरे को, मतलब हक करके मिल लेना दारू पानी को। मेरी आज तक इसी ने फीलिंग्स संभाली हैं दारू पानी ने, अदरवाइज आई वाज क्राई एंड स्लीप एट नाइट, अदरवाइज नो एनीवन लिसन माय फीलिंग्स, बस मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझता बहनचोद आपके सिवा, यही बोलना चाहता हूँ। ये इंग्लिश मादर चोद ऐसे बड़ा मादर चोद बोलती है ये बहनचोद, ऐसे लगता है बंदा भोसड़ी का क्राई कर रहा है और चूट मरवा रहा है, हट भोसड़ी की इंग्लिश, दारू पीटने हैं बहनचोद, जय भैरव बाबा की, है भैरव बाबा कि आप मेरे साथ मजे लोगे ना। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात बताने जा रहा हूँ कि आपका भाई अब बहुत ही हो चुका है सेक्सी, अरे भोसड़ी के जय क्या बोल रहे, सेक्सी मतलब बड़े बड़े बाल संजय दत्त वाले, फेस रेवल करूँगा बट 4K सब्सक्राइबर तो पूरे करो एंचो, ऐसे कैसे फेस रेवल कर दूँ बताओ मेरे को। और लौड़ा गिर गया, ओ सॉरी टोपी गिर गई, मैंने सिर पे लेता हूँ टोपी क्योंकि चूत है मोटी। चलो भाइयों फिर बातें करते हैं, एक चौथा बैग लगा, तीसरा बोल ठीक है, तीसरा बोलना, चौथा बोल के तो डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा। भाइयों क्या कभी आपकी भगवान ने हेल्प की है, आज तक मैं दारू पी के रोया नहीं हूँ, सीधी बात बताऊँ, अभी आज मन ऐसा है कि मैं रो पड़ूँ,
फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि भगवान मेरा भी कुछ करेगा, बनाएगा आप सभी का बनाए, बस मेरे दोस्त जिंदा रहें, मेरे दोस्त जिंदा रहें जो मेरी बातें सुनते हैं। कोई ऐसा बंदा होगा जो पूरी महफिल देखता होगा, भगवान ने उसे पता नहीं ऐसे भेजा होगा। चलिए चौथा भेजा, तीसरा बोल सड़ी, तीसरा बोलना मैं महाजन चौथ, ये क्या ऐसी ट्रिप कर रहा है, जय भैरव बाबा की। तीसरा बैग लगाते हैं, जय भैरव बाबा की। कोक दिस इज माई चखना, बाद में मत चखना। करते हैं दो तीन मिनट की बातें। यह है मेरी कैप, तो दोस्तों अगर चाहते हो हुक्का का ब्लॉग सेट करूं तो जरूर बताना। बस भाइयों आपको टाइम बता देना है, लोकेशन बता देनी है, वहाँ पे एक बार ज़रूर आना, ठीक है। ज़िंदगी की ख्वाहिश है आप सभी मेरे को लास्ट टाइम वहाँ पे मिलने आओ, फिर आऊँगा तो ज़रूर इंडिया, बट अभी मैं आपको कंट्री नहीं बता सकता कहाँ जाना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे, बट आप मिलने ज़रूर आना भाइयों। मैं तो यही कर सकता हूँ, आपको बैच कुछ मिलेगा दारू पानी की तरफ से हर एक बंदे को, मिलने ज़रूर आना प्लीज़। वहाँ पर पता नहीं लगना चाहिए कि हमारा चैनल है दारू पानी, मेरी बेइज्जती भी मत कर देना बहनचोद भाई, मैं दारू पीता हूँ, ये समझना एक फैमिली है, मिलने आई है, फैन है बंदे के, बट मैं चाहता नहीं हूँ मेरे ऐसे फैन हो कि मिलने आए। सीधी बात बताऊं, मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग सोचे कि इसके दोस्त हैं, फैमिली मिलने आई है। फैन फोन बैंक हम नहीं रखने वाले, ये है आपका चैनल, आप जब महफिल चलाते हो ये समझो कि आपकी आत्मा महफिल चला रही है, बस यही बोल सकता हूँ मैं, अदरवाइज दिल तो थमा हुआ है, सो जाएंगे बहन जो दारू पी के। लड़की वड़की का चक्कर हम नहीं रखते क्योंकि दारू बहन जो इतनी महंगी, लड़की का लौड़ा खर्चा उठाएंगे। आहा, कोक बोसड़ी का ऐसे है जैसे दारू पीने के बाद डिकार। सूटा पीने का मन कर रहा है बट आज नहीं, रोज कह देते हो आज नहीं। अगर आप चाहते हो क्रेजी भाई के साथ भी कुछ महफिलें आए तो प्लीज बताना, क्रेजी भाई बहुत चूतिया बंदा है, मैं सीधी बात बताऊं, उस भोसड़ी ने बोलना है अरे मैं नहीं पीता, भोसड़ी कहना दो पैक लगा लेने हैं, इसकी बात तो दो पैक के बाद हुक्का मारना है बहनचोद ने, और मैं भोसड़ी का महफिल सजाऊं, एडिट करूं, हुक्का पीऊं, अरे भोसड़ी कहने क्या करना है, दो पैक लगाए भाई मैं चल रहा भोसड़ी का,
अर्थ वाले ने हुक्का सुझाना है, लौड़े पे जाना है। नहीं भाई ऐसे नहीं बोलूँगा, बट मेरा क्रेजी भाई क्रेजी है। जो आज तक उसने साथ दिया है वो भी जो किसी ने दे दिया। तो भाई प्लीज़ प्यार दिखाओ अपना। बाय बाय करते हैं इस महफिल को। टेस्ट में रेटिंग दे दी, स्मेल में रेटिंग दे दी, अब टेस्ट में रेटिंग दूंगा टेस्ट में भी दे दी, स्मेल में दे दी, वैल्यू ऑफ मनी भी दे दी थी। टेस्ट में जो रेटिंग देता हूँ वो भी दे दी है। एक बार फिर से देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब सीरियसली टेस्ट में भाई रेटिंग देता हूँ 7.5, ठीक है। नहीं नहीं भाई सॉरी, प्लीज़ सॉरी, टेस्ट में रेटिंग देता हूँ आपको 10/10, ठीक है। सॉरी 10/10 रेटिंग देता हूँ टेस्ट में। स्मेल में रेटिंग देता हूँ आपको 7.5/8, बस इन्हीं में से 8 समझ लो भाई, 7.5 छोड़ दो, 8 रेटिंग देता हूँ स्मेल में से। 10/10 रेटिंग देता हूँ हमेशा मैं, ठीक है। फिर रेटिंग आती है वैल्यू ऑफ मनी। भाई वैल्यू ऑफ मनी 10/10 है। मैं ये नहीं बोल सकता कि बस 10/10 मैंने अपने दिल से दे दी तो दे दी, आप समझो चाहे ना समझो। और फिर उसके बाद आती है रेटिंग किसकी, नशे की ओवरऑल रेटिंग। सॉरी नशे की रेटिंग मैं दूँ भाई, अगर बार या पार्टी में भी नहीं है तो ठीक है यार, लगाओ इसके 2-3 हल्के हल्के पैक, हल्के मैंने मोटे मोटे लगाए हैं 3, हल्के हल्के पैक लगाओ भाई, कुछ नहीं होने वाला। हल्के हल्के से अगर इतनी बचती है तो बहुत मज़ा आएगा यार भाई, जो रोस्ट है आपके दिल जीत लेगी। अगते जाते हो गए बहन चो काम तमाम करना तो छोड़ दो इसको, इसकी को काम तमाम, मैं समझ रहा हूँ ना आपका काम तमाम, समझ रहे हैं ना भूख, बट एकदम नहीं है, स्लोली स्लोली मज़े दे रही है भाई। मेरी तरफ से मैं बताता हूँ, छोड़ो छोड़ो और बात, नशे में मेरी तरफ से 10/10 है बयान चो दाज की। मैं नशे में इतने रेटिंग नहीं दी हूँ मैंने इस विच को, मेरे को पता नहीं चल रहा बयान चो क्या बोल रहा हूँ भैया। कोई बात नहीं, ठीक है, ओवरऑल रेटिंग की बात करते हैं अब, छोड़ो सब बात को, सब रेटिंग दे दी। जो बात रेटिंग नहीं से आपको समझ आ रही कमेंट करो। ओवरऑल रेटिंग में इस विच को मिलते हैं 10/10 9 नंबर, ये आती किस में है, ये बस स्मेल में, ठीक स्मेल में गई है, ठीक है। और नशा ठीक है भाई, बिल्कुल एकदम बेस्ट है, 10/9 रख लो, ठीक है 10/9 रख। बाय बाय दोस्तों, ठीक है चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा आपकी आंखों के सामने। नशा बहुत मज़ेदार दिया यार इसने, सच बताऊँ तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बिगिनर्स प्लीज़ दूर रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भगवान आपकी खैर करे और मेरी खैर करे भाइयों, प्लीज़ आपका भी कुछ बने और मेरा भी बने। मैं बहुत दुखी हूँ यार अब तक। बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं भाई ऐसे कुछ गाली वगैरह नहीं आपको डालता ना ही बोलता हूँ कुछ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। यही बोल सकते हैं आपके भाई, आपको भाई इतना ही बोल सकते होते हैं, यो मैनेजर या बॉस होते हैं वो गाली देते हैं, बट भाई इतना ही बोल सकते हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब तो आपकी ज़िंदगी है। बाय बाय, अभी आपका भाई थोड़ा सैड भी है, बाय बाय।